हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ श्रीश्याम स्कूल। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एंड टुडेज वीडियो इज फॉर क्लास थर्ड। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर दैट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट हम पहली क्लास में स्टार्ट कर चुके थे और पहली क्लास में हमने सीखा था कि जैसे हम मीटर्स को सेंटीमीटर्स में या फिर किलोमीटर्स में, मिलीमीटर्स में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। 9.1 में तो कुछ भी नहीं था, उसमें तो सिर्फ सिंपल मेजरमेंट करनी थी आपको। 9.2 में कुछ ऐसे कन्वर्जन्स थे कि मीटर को सेंटीमीटर को में, किलोमीटर्स को मीटर्स में, इस तरीके से आपको चेंज करना था। तो ये सारी चीजें हो गई। अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। तो आज हम एडिशन का मतलब आप जानते हो कैसे प्लस करना, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस करना, कि कैसे प्लस और माइनस जब हमारे पास लेंथ की फॉर्म में होता है, जैसे मीटर सेंटीमीटर में होते हैं, तो इनको कैसे प्लस करना है हमें। देखिए, एडिशन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ इज डन इन द सेम वे एज वी एड ऑर्डिनरी नंबर। जैसे हम सिंपल नंबर्स को ऐड करते हैं, वैसे ही लेंथ के यूनिट्स को भी ऐसे ही ऐड करते हैं। मेक श्योर टू रीड एंड राइट द यूनिट्स करेक्टली। बस यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट्स को अच्छे से देखना है। बाकी सिंपल ऐड हमें, जैसे सिंपल ऐड होती है वैसे ही हमें इसमें भी वैसे ही ऐड करना होता है। जैसे आपका एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए, ऐड दिस 56 मीटर 22 सेंटीमीटर एंड 22 मीटर 95 सेंटीमीटर, इनको ऐड करना है। ये एक अलग टर्म है, एक अलग टर्म है। अब इनको ऐड करना है। देखिए, हमें ध्यान क्या रखना है कि मीटर के नीचे हम मीटर लिखे और सेंटीमीटर के नीचे हम सेंटीमीटर लिखे। हाँ जी, क्या देखना है हमें, मीटर के नीचे मीटर और जो यूनिट्स का है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है अच्छे से। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखिए 56 क्या है मीटर एंड 22 सेंटीमीटर, दूसरी यूनिट क्या है 22 मीटर। देखिए, मीटर के नीचे मीटर लिखा है और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देंगे, सिंपल ऐड जैसे करते थे। देखिए, मीटर में मीटर ऐड करेंगे, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। 5 और 2 7, 9 और 2 11, 11 आ गया, तो 11 का हम 11 लिखेंगे, 11 का 1 कैरी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये मीटर। 6 और 2 8 और 1 9 एंड 5 और 2 7, तो ये आ गया हमारा आंसर। जैसे सिंपल ऐड होती है वैसे ही ऐड करना है हमें। यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर ऊपर सेंटीमीटर ऊपर। जैसे आप यहाँ साइड में ना लिख के यहाँ पे मीटर लिख लीजिए और यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लीजिए, तो ये आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐड 58 किलोमीटर 153 मीटर 32 किलोमीटर 145 मीटर। अब हमें इसको करना है, तो सेम प्रोसेस करना है, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर। जी देखिए, किलोमीटर क्या 58 और 32 है, तो हमने ऐसे लिखा है, देन 153 मीटर है, 145 मीटर है, तो उसको उसके नीचे लिखा है, फिर ऐड कर दिया है। तो हमारा आंसर इस तरीके से आ गया कि जब हमने इसको ऐड किया तो 90 किलोमीटर 298 मीटर हमारा आंसर आ गया।